हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। देन यहाँ पर अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मैचेस चल रहे हैं। हालांकि अंडर 17 है लेकिन वर्ल्ड कप लग गया तो बड़ा ही मैच हो गया। तो जर्मनी और यूएसए का ये मैच है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो जर्मनी और यूएसए में जो मैच हो रहा है उसके अंदर मैं फेवर करूँगा जर्मनी को, क्योंकि यूएसए ने तो अपना लास्ट मैच ही खो दिया। मतलब यूएसए टीम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूएसए ने कुछ भी नहीं किया यार अंडर 17 के अंदर। ये तो पता नहीं लोग कैसे फेवर कर देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि लोगों को तुम टीम दे रहे हो, तुम्हें पिक फ्रॉम गुरु टीम दिया जा रहा है। इस बंदे को ही ले लो, मैं नहीं जानता इसे। इसने यूएसए के 7 प्लेयर लिए हुए हैं जबकि इसको खुद नहीं पता कि किस बेस पर लेना है, और इसी के साथ साथ 953 और बंदों ने भी इसकी टीम उठा दी है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यूएसए को, चलो यूएसए जीतती है या नहीं जीतती वो बाद में बात है, लेकिन भाई यूएसए ने परफॉर्म ही नहीं किया। अगर यूएसए के बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे तब तक यूएसए परफॉर्म नहीं करेगी, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। अभी तो आप ये लगा लो, पिछली वीडियो में पिछले मैच में जर्मनी का मैक्स नहीं खेला तब भी ये लोग मैच जीत गए। कितना ट्रस्ट है भाई इनको, मतलब अपने नए नए प्लेयर पर। इन्होंने रैमसक को भेजा और रैमसक ने क्या प्रदर्शन किया। मतलब लिटरली यार, 2 गोल 1 असिस्ट, इसकी तो हैट्रिक होने लगी थी, मिस हो गई बेचारे की, तो ये तो मैं ज़रूर लूँगा। उसके बाद अगर मैक्स खेलता है देन अच्छा है, नहीं खेलता तो पी ब्रनर को लो, क्योंकि ब्रनर छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। ब्रनर अपनी पे आ गया तो आप देखते ही रह जाओगे। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो यूएसए के 2 बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, एक है निम फाशा और एक है इनका के फिग्यूरो। ठीक है, एक्चुअली फिग्यूरा एंड बर्चिमस दोनों फिट थे बट लास्ट मैच में ड्रॉप आउट कर दिए गए इनको फ्रांस के आगे, जबकि फ्रांस ने पेल दिया इतने टाइम में। तो हमारी टीम फ्रांस फेवर थी, हम जीत गए, लेकिन इस मैच के अंदर थोड़ी दिक्कत कर सकता है इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी। अगर मैं बर्चिमस लेता हूँ तो हो सकता है फिग्यूरा चल जाए, और फिग्यूरा लेता हूँ तो हो सकता है वो भी चल जाए, लेकिन एक लेना है तो मैं फिग्यूरा को प्रेफर करूँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें देन मदीना देखिए, मैं मदीना को लूँगा। मैं डी वेस्कोस के साथ भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपको कि कप्तान रख तो सॉरी गाइस, कप्तान वाली यार बात ही नहीं है। उसको बंदे को टीम में ले रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। एंड ऑपोजिशन टीम जर्मनी की बात करें देन डेरविश ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। जैसे पहले मैच के अंदर असिस्ट, सेकंड मैच में असिस्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल, और अगर गोल की जगह बंदा असिस्ट करेगा तो हमारी कप्तानी पर इफेक्ट आएगी। अगर गोल करता तो सीधा मिलते 50 पॉइंट, वहीं ये असिस्ट कर रहा है तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का बीच में वहाँ पूरा घट गया पूरा मार्जिन। तो हम क्या, हमारी कप्तानी में बहुत दिक्कत है अगर मैं आज डेरविश को कप्तान रख दूँ और मैं सोचूँ कि ये 2 गोल करेगा और वहीं ये बंदा 2 असिस्ट करके चलता बने, मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो मैच ही हार जाऊँगा। इसलिए भाई डेरविश को ले रहा हूँ। उसके बाद हरमन की बात करूँ, हाँ हरमन खेल गया तो इनकी टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि हरमन एक मिडफील्डिंग एक तरफ से संभालना जानता है, क्योंकि हरमन का रिकॉर्ड आई थिंक डेरविश से भी अच्छा हो सकता है एक टाइम पे। तो मैं ये कहूँगा डेरविश भी कुछ नहीं है एक टाइम पे तो हरमन के आगे, इसलिए हरमन को मैं यहाँ लूँगा। एंड डिफेंडिंग की बात करें देन इडे सिल्वा का जो पिछले मैच में गोल आया था तो वो बहुत अमेजिंग था। एक्चुअली पिछले मैच में इन्होंने अपने 5 डिफेंडर शायद खिलाए थे, तो शायद 5 खिलाए थे, पता नहीं मेरे को याद नहीं, बट मेरे को ये याद है कि मैंने डेविड को लिया था। ठीक है, उसके बाद उसको तो ले लिया पहले प्लेयर को, उसके बाद पिछले मैच के अंदर इन्होंने इसको जगह नहीं दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मैक्सिम डेल को खिलाया था, मैक्सिम डेल ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इनके कुछ, हाँ जे वॉन जिसको लिया था मैंने, जे वॉन को जस्टिन को, बट आज नहीं ले रहा, पिछले मैच में बड़ा बेकार खेला था, तो मैं डेल के साथ जा रहा हूँ। एंड गोल कीपिंग की बात करें देन यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर यूएसए का एक नॉर्मल सा गोल कीपर डूरन फेरे। पता नहीं भाई डूरन फेरे कैसा है, क्योंकि मैं अंडर 17 के मैचेस पहली बार कवर कर रहा हूँ। जर्मनी को तो मैं समझ चुका हूँ, यूएसए थोड़ी समझ से बाहर है, तो देखना पड़ेगा। बात करें कप्तान की, देखिए लोगों ने डेरविश को कप्तान रखा, आई डोंट नो वाई, मैं तो रख के 2 बार झेल चुका हूँ। तो मेरा कप्तान होगा पी ब्रनर एंड वाइस कप्तान होगा रैमसैक। देन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।